हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो हियर वी हैव सम मॉलिक्यूल्स. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट डाउन सम एटम्स फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. सो इन पीरियोडिक टेबल वी हैव ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड इन ग्रुप 1 वी हैव हाइड्रोजन, लिथियम. ग्रुप 2 वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम. ग्रुप 3 बोरॉन, एल्युमिनियम. ग्रुप 4 कार्बन, सिलिकॉन. ग्रुप 5 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर. ग्रुप 7 फ्लोरीन, क्लोरीन. एंड ग्रुप 8 आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन एंड अदर एलिमेंट्स. एंड दीज ग्रुप नंबर्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो हियर वी कैन सी इन ग्रुप 7, ग्रुप 7 नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. एंड इन ग्रुप 6 नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ग्रुप 5 नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम. मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय एटम. सो लेट्स सॉल्व फॉर द SO2 मॉलिक्यूल. सो द फर्स्ट मॉलिक्यूल इज SO2. सो इन SO2 मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज सल्फर. And valence electron for sulfur atom is 6 because it is present in 6 group. Minus number of atom attached with central atom. So here 2 oxygen attached with this sulfur atom. So 2 multiply with electron needed by atom. So oxygen present in 6 group and group 6 need 2 electron to complete its octet. So multiply it with 2. So 6 minus 4 is equals to 2. This 2 means 2 electrons. 2 electron means 1 lone pair. 2 electron means 1 lone pair. And this 2 subscript means that there are 2 bond pair present in this molecule. So 2 bond pair present in SO2 molecule. So, 1 lone pair and 2 bond pair present in SO2 molecule. Our next molecule is NF3. So, in NF3 molecule, central atom is nitrogen. And nitrogen present in group number 5. So, the valence electron for nitrogen is 5 minus number of atom attached with central atom is 3 because 3 fluorine atom attached with this nitrogen. So 3 multiply with electron needed by atom. So fluorine needed 1 electron to complete its octet. So multiply it with 1. So 5 minus 3 is equals to 2. This 2 means 2 electrons, means 1 lone pair, 1 lone pair and 3 bond pair, 3 bond pair. Because 3 fluorine atom attached with nitrogen atom. So in NF3 molecule we have 1 lone pair and 3 bond pair. Now next molecule is BF3.
एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बोरॉन इज 3 माइनस, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड इज 3 एंड इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय दिस फ्लोरीन इज 1. सो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर इन BF3 मॉलिक्यूल. एंड हाउ मैनी बॉन्ड पेयर? सो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट. सो इन BF3 मॉलिक्यूल 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट्स एंड नो लोन पेयर. नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज CLF3. सो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 7. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन इज 7 माइनस, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम इज 3. सो 3 इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय द एटम इज 1 बिकॉज फ्लोरीन नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स. एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर. सो इन CLF3 मॉलिक्यूल वी हैव 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर. नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज XEF4. XEF4. सो xenon प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 8. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर xenon इज 8 माइनस, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद दिस सेंट्रल एटम. सो 4 फ्लोरीन एटम अटैच्ड विद xenon, 4 मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय एटम इज 1 बिकॉज फ्लोरीन नीडेड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सो मल्टीप्लाइड विद 1. सो 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर बिकॉज दिस 4 सबस्क्रिप्ट मीन्स दैट देर आर 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल. सो 4 बॉन्ड पेयर. सो इन द मॉलिक्यूल XEF4 वी हैव 2 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.